तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय, चिन्मय गौड़ उर्फ संगीतमय चिन्मय। बचपन से मैंने कहावत सुनी अपने संगीत के गुरुओं द्वारा, बड़े बड़े कलाकारों द्वारा, कि भाई सारे ग म प ध नि, षड् ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, सारी दुनिया के संगीत का सार इन्हीं सात स्वरों में है। और जिसने ये सात स्वर साध लिए उसने सारी दुनिया का संगीत साध लिया। इसको जानने के लिए मुझे 18 साल लग गए, अभी भी कार्य प्रगति पर है। तो पिछले 18 सालों से मैं इसकी साधना कर रहा हूं और 18 सालों का जो उत्तर है 18 मिनटों में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप सभी से आज्ञा चाहता हूं मैं, शुरू करें। हम जो भी सुन रहे हैं वो एक कंपन है, वाइब्रेशन है। मैं बोल रहा हूं, लंग से एयर निकल रहा है, वोकल कॉर्ड पे टकरा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में आहत नाद कहा गया, कि जो नाद, जो ध्वनि हिट करने से पैदा होती हो। फिर इसके बाद ऐसे 22 प्रकार के सूक्ष्म नाद बताए गए, 22 प्रकार की माइनर माइक्रो फ्रिक्वेंसीज, जिसको आप कान से पहचान सकते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस, और वो म्यूजिक में यूज होते हैं। अब दोस्तों इसको आसान समझाने के लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, कान से उसको कैसे पहचान सकते हैं, ये 22 नाद क्या है। तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, दो साउंड प्ले करूंगा, आपको बताना है कि आप इनके बीच का साउंड पहचान पा रहे हैं क्या, कि या दोनों साउंड सेम है कि अलग अलग है। ओके, रेडी? आवाज नहीं आ रही यार। फर्स्ट साउंड, सेकेंड साउंड, डिफरेंस पता चला? Yes, कि एक ऊंचा एक नीचा है। Yes, क्यों? क्योंकि इनके बीच में करीबन 60 हर्ट्ज के आसपास का गैप था, इसलिए अब उसमें उस गैप को कम करूंगा। अब थोड़ा सा आसपास का लग रहा है साउंड, हाँ, राइट और रॉन्ग? जितना पहले क्लियर था अब क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो फ्रीक्वेंसी का इंटरवल था उसको करीबन 15 हर्ट्ज कर दिया। अब और मजे आएंगे, इसको और कम कर देता हूं मैं। सेम लगा सबको साउंड? क्योंकि इसके बीच में केवल 4-5 हर्ट्ज का गैप था। लेकिन अगर कोई क्लासिकल म्यूजिशियन होगा यहां पे तो वो डिफरेंस पहचान जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को भारतीय संगीत में ऐसी 22 फ्रीक्वेंसीज का गैप है, उसको श्रुति कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ श्रुति। और फिर इतने सारे सूक्ष्म ध्वनि श्रुतियों के बाद में आते हैं सुर। इन 22 साउंड्स में, 22 श्रुतियों में हमारे सुर विराजमान है। इन 22 श्रुतियों में ये सारे ग म प ध नि आते हैं। अब जाके पता चला कि भाई सारे ग म प ध नि को साधने का मतलब तो है कि ये 22 साउंड्स की दुनिया को जानना, ये जो इतने माइक्रो फ्रिक्वेंसीज है उसको कानों से पहचानना, ये दिख रहे नहीं है। अगर दिखते तो हम पहचान जाते कि इसका कलर ऐसा है, उसका कलर ऐसा है, यहां तो सुनना है। हमारे भारतीय संगीत के पास इमोशंस की रेसिपी है, हर राग का अपना एक इमोशन है, और उससे हम किसी के भी अंदर उस इमोशन को इवोक कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो श्रुतियां हैं, 22 नाद है, इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन से अलग अलग रागे बनती है, अलग अलग फीलिंग्स बनती है। अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर श्रुतियां वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक फेमस धुन बजाऊंगा, जैसे आपने उसको सुन रखी है, किसी का बर्थडे तो नहीं है? हैप्पी बर्थडे जिसका भी हो मेरी तरफ से। सो सुना ना सबने, अच्छा लगा सुन के? अब इसका अगर श्रुति का जो मैं बात कर रहा था माइनर फ्रिक्वेंसीज की, उसके बीच का मैं डिफरेंस थोड़ा चेंज कर दू, उसके ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बिगाड़ दू, तो देखो कैसा साउंड करेगा।
हॉरिबल, स्कैरी, राइट? इसको हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं, बेसुरा जा रहा है वो तो। पर बेसुरा का मतलब क्या है कि जो माइनर फ्रिक्वेंसीज होती है जिसपे सारे गमा पर ठहरे हुए हैं वो उसका अरेंजमेंट सही नहीं है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स बातें, इतना कठिन बातें, ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट पे कैसे बच सकता है यार? कितना कठिन होगा कि इतनी माइनर फ्रिक्वेंसीज का ज्ञान, इतनी सारी रागे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक छोटे से बांसुरी पर बजाना जिसमें केवल 7 छेद हो। और ये चीज एक टाइम तक नामुमकिन थी। एक व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई बांसुरी पे भी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत बज सकता है, फिल्मी गीत बज सकते हैं, गजल बज सकती है और हर जॉनर का म्यूजिक बज सकता है। उस व्यक्ति का नाम है पंडित पन्नालाल घोष। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके पिक्चर देखें। ये वो महान व्यक्ति है। एक बार जोरदार तालियां, द ट्रू, द रियल गॉडफादर, द रियल गॉडफादर ऑफ इंडियन फ्लूट। इनको बजाने का शौक था लेकिन घर वाले उसको नदी में फेंक के आते थे कि क्या बजाते रहता है, सितार बजाओ, गाना गाओ, पढ़ाई करो साथ में। हाँ, इनको नदी में तैरते तैरते एक बड़ा बैम्बू मिला जिसमें होल्स थे। इनको आइडिया आया, घर पे ले गए, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और जो गाने में सीख रहे थे, सितार पे सीख रहे थे, उसको उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। मम्मी ने देखा तो मम्मी उसको वापस नदी में फेंक के आ गई। लेकिन डेस्टिनी की यही इच्छा थी कि बांसुरी इनसे मिले, फिर से इनको वो चीज वही मिल गई, वो बैम्बू वही मिल गया। ऐसा कई बार हुआ। ये किस्सा मेंशन है विश्वास कुलकर्णी जी की किताब में, जिन्होंने 18 साल इन पर रिसर्च की है, 28 साल रिसर्च की है। और फिर इन्होंने उसको इतना साथ लिया कि बांसुरी को एक नया जीवन दान मिल गया और बांसुरी जो है हिंदुस्तानी संगीत में एक सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आई। और फिर एक नए कलाकार ने जन्म लिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि पूरे विश्व में बांसुरी से हिंदुस्तानी संगीत को फेमस कर दिया और बांसुरी से हमारे देश को फेमस कर दिया। जब तक बांसुरी रहेगी तब तक इन दो महान व्यक्तियों का नाम अमर रहेगा और ये अमर है। इसके बाद कई आर्टिस्ट आए, इनके स्टूडेंट्स इनको फॉलो किया नेक्स्ट जनरेशन ने, और बांसुरी अब फिल्मी संगीत में, एडवर्टीजमेंट्स में, सीरियल्स में, गजल कार्यक्रम में, भजन में, हर जगह दिखने लगी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ। और धीरे धीरे करके बांसुरी बहुत फेमस होने लगी। और फिर आया आज का समय, डिजिटल दुनिया, जहां पे आपकी जेब में बहुत सारा इंटरनेट है, दिन भर टाइम पास करने का बहुत सारा साधन है। ऐसी दुनिया में कुछ यूट्यूबर्स सामने आए और उन यूट्यूबर्स ने बांसुरी के कवर्स से, बांसुरी के लेसन्स से लोगों तक, घर घर तक बांसुरी पहुंचाई और बांसुरी को बड़ा कॉमन कर दिया। बांसुरी को एज अ हॉबी भी डेवलप किया लोगों के अंदर इंटरेस्ट। उन्हीं कुछ यूट्यूबर्स में से मैं भी एक छोटा सा नमूना आपके सामने हूं, जिसने कुछ लाख स्टूडेंट्स, कुछ लाख नॉन म्यूजिकल लोगों को म्यूजिक में डाल दिया। और फिर इसी से मेरी जिंदगी का लक्ष्य शुरू हुआ, संगीतमय चिन्मय। सफर अभी तक चल रहा है। तो ये बांसुरी की कुछ छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अब समय आ गया है कि थोड़ा बांसुरी सुना के बजाता हूं, मैं आपको बताता हूं। शुरू करें वो भी? Yes, शुरू करते हैं। Oh.
Thank you.
धन्यवाद।